नहीं नहीं मेरे से प्यार साथियों, तो कैसे हो आप लोग? तो आपके लिए ना नेवी की जो आप सामने अपने फ्रंट पे जो फेस ये देख रहे हो कि इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेटवेट, इसकी जो वैकेंसी है आज ही निकली है इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे। आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हो बिना किसी परीक्षा के। तो आप जाकर के सिर्फ देखिए इसको क्या क्या होता है इसमें। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये किसकी वैकेंसी है, ये ट्रेडमैन वैकेंसी, इनकी ग्रुप सी की वैकेंसी है। कुल पहुँचो इसमें कुल कितने पद है ये बता दिए हैं इसमें। तो बने रहिएगा वीडियो पर हमारे साथ में, सब पूरी जानकारी आपको दी जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए किसी बिना देर के नोटिफिकेशन पे। तो आ गए हम sarkarijail.com पर। तो जाके देखिएगा यहाँ पे कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जाके सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो लेटेस्ट जॉब आई है देखिए यहाँ पे, लेटेस्ट जॉब पे जाकर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपके लिखी है वैकेंसी, देखिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, देखिए कौन कौन नहीं कर सकते। जो एप्लीकेशन बिगन होगा वो आपका 22 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड होगा। एग्जाम डेट अभी आपकी नहीं दी गई है, सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और ये सारी जो ट्रीटमेंट की जो वैकेंसीज होती है, कम से कम 2 या 3 महीने में इसका एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा दिया जाता है, ठीक है। जनरल और ओबीसी के लिए आपकी फ़ीस रहेगी 225, ST ST के लिए जी रहेगी 0, ठीक है। चलते हैं नीचे। तो जैसे इसमें पोस्ट कितनी कितनी अप्लाई दी गई है सभी के लिए बता दिया जाएगा। ये है ईस्टर्न कमांड, ये है वेस्टर्न कमांड और साउथर्न कमांड में वैकेंसी लिख ली है आप सभी के लिए, ठीक है। टोटल आपकी जो इसमें एज लिमिट रहेगी वो है आपकी 18 से 25 रहेगी, ठीक है। और ये जो है आपकी हाई स्कूल आपका कंपलसरी रहेगा इसमें पास होना, और IIT सर्टिफिकेट आपका होना कंपलसरी है, ठीक है। उसमें क्या आधिकारिक जानकारी के लिए तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड मैंने कर लिया, उसी के साथ मैं आपको कुछ जानकारी वहाँ पे दे दूंगा। चलते हैं, सारी जानकारी दे दिया इस वाले पेज पे, ठीक है। ये इसका नोटिफिकेशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या बोलता है, ठीक है। इसमें आपको मतलब एडवांस में नोटिफिकेशन देगा कौन कौन हायर कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन भी है ओबीसी वालों के लिए, SST वालों के लिए, ठीक है। एज लिमिट मैंने बता दिया 18 से 25 भर सकता है, ठीक है। इसमें एज क्वालिफिकेशन जो मांग रहेगा 10 पास होना कंपलसरी है आपके साथ में, उसी के साथ में IIT होना का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप उसको जॉब को फिलअप नहीं कर सकते। तो इसमें यदि आप इसका यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद यदि आप इसका जब एग्ज़ाम शायद है इसमें यदि उसकी यदि एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो, यदि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद तो आपको कौन कौन सी जॉब दी जाएंगी वो सब कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्लरिकल जॉब भी मिल सकती है आपको, ठीक है। एक्सेट्रा जो भी उनको जॉब पोस्ट होती है उनके विकास से जो वैकेंसी निकाली है कमांड में अपनी, तो उसमें जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या है वो बता देता हूँ आपको मैं। सो गाइस, SC ST के लिए तो मैंने रिजर्वेशन आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें एग्जामिनेशन फ़ी मैंने आपको बता दी है 225 रुपये, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटीज़ कहाँ होंगी, ठीक है। वो बोलता है कि फ्यू कैंडिडेट में बी अलॉटेड टू अनदर सिटीज़, मतलब इन केस ऐसा सिचुएशन आती है कि जैसे कि आजकल चल रहा है आप देख रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ भी सब कुछ अलग अलग स्टेट में अलग चल रहा है अपना केस, तो उसके अंदर से आपको कैंडिडेट को अलग सिटीज़ भी अलाउट करा जा सकती है। मतलब ये ऐसा कि जैसे कि आपके उत्तर इलाका है तो नोएडा हो सकता है आपका, या फिर देहरादून हो सकता है, या फिर जैसे नीचे का कमांड है तो आपका मुंबई हो सकता है, ठीक है, चेन्नई हो सकता है। ऐसे ऐसे सिटीज़ में आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। चलते हैं इस पे। तो यहाँ पे आपका जो हाँ इसमें एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। सॉरी, मैंने इस टाइम में बोला कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम भी इसमें कम होगा आपका, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम में आपको क्या क्या आएगा, इसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम हो, जैसे SSC MR का, वो सॉरी Navy MR का जो एग्ज़ाम होता है वैसा ही बिल्कुल पेपर होगा इसका, ठीक है। देख लेना, जब पेपर होगा बिल्कुल सेम वैसा ही पेपर आएगा इसका, ठीक है। इसमें ये कब से अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ मैं। ये अपना आपका 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 7 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो इतना ही इसमें नोटिफिकेशन में बारे में दिया जाए, इतनी खास जानकारी नहीं दे रखी। हाँ, और एक ये दी है, ठीक है, इसमें क्या क्या नहीं है, क्या क्या इसमें पेपर में क्या लेके जाना है क्या नहीं, यदि वो वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज़्यादा से शेयर कर दें, क्योंकि साल में दो साल में 3 साल में कभी कभी ही वैकेंसी निकलती है इसमें। बहुत अच्छी जॉब है भाई, ठीक है। प्रमोशन भी बहुत जल्दी होते हैं इसमें, ठीक है। सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है इसमें, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यदि आपको इस वीडियो पे और जानकारी चाहिए कि क्या सर्टिफिकेट ITI का सर्टिफिकेट अपेयरिंग में डाल सकते हैं अगर नहीं डाल सकते हैं फिर, ठीक है, इसको जॉब को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसका जब
22 तारीख को नोटिफिकेशन ऑन होगा अप्लाई के लिए, वो आपको फॉर्म फिलअप करके बता दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो वीडियो को बने रहिएगा आधा घंटे तक, तो हम चलते मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको